हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? ये एक तरह का इवोल्यूशन होता है जिसके अंदर अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करते हैं टू अडेप्ट अ सिमिलर फीचर। सो जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। अब एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो दिखने में सिमिलर लगते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनकी जो एनाटॉमी होती है यानी कि जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। सो वी कैन कंक्लूड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रोड्यूसेस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। सपोज ये अलग अलग तरह की स्पीशीज किसी सेम टाइप ऑफ हैबिटेट में चली गई या फिर सिमिलर नीड के लिए इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, लेकिन इनके एंसेस्टर जो है अलग अलग हैं, लेकिन वो सब एक सिमिलर फंक्शन को अडेप्ट करने के लिए कन्वर्ज हो गए। सो वी कैन से दे डू नॉट इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिकॉज दे ऑल आर एक्सपोज टू सिमिलर सेलेक्टिव प्रेशर, क्योंकि उनका सिमिलर सेलेक्टिव प्रेशर होता है, इसीलिए वो एक सिमिलर फंक्शन को अडेप्ट करने के लिए अपने आप को कन्वर्ज कर लेते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। द विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड बैट्स शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। विंग्स जो है दिखने में तो सभी उड़ने के लिए यूज होंगी, लेकिन इनका जो एनाटॉमी होगा, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट है। दे ऑल आर यूज्ड फॉर द सिमिलर पर्पस, दैट इज फ्लाइट पर्पस, बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। So I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.